मंडा न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। अच्छा लग रहा है कि ये अवार्ड मुझे भी मिला है एंड फेवरेट जोड़ी के लिए मिला है, सृष्टि समीर जो कुंडली भागे, अभिषेक एंड अंजुम रिस्पेक्टिवली। अंजुम आ नहीं पाई बिकॉज वो बहुत बिजी है शूट पे अभी एंड शी वाज स्टक देयर, बट अच्छा लग रहा है जोड़ी को अवार्ड मिला है, फैंस ने इतना प्यार दिया, 3.5 साल हो गए शो को, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड थैंक्स टू किरण जी फॉर ऑनरिंग अस विद दिस अवार्ड, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स। महिलाओं के साथ सुपर वुमन के साथ आपको एक लिहाजा गया है, क्योंकि महिलाएं सब ज्यादा घर पे रहती है जो टीवी देखती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसे अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, और अच्छा लग रहा है कि आई एम द ओनली फ्यू बॉयज टू बी हियर इन दिस अवार्ड फंक्शन, इट फील्स वेरी नाइस, बट अच्छा लग रहा है। एंड टीवी की जो ऑडियंस है, जैसे आपने बोला महिलाएं, ऑब्वियसली वो देखती हैं, हिट करवाना उन्हीं का काम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा शो, पूरी टीम इनफैक्ट बहुत अच्छी है, और 3.5-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, सो थैंक यू। कुंडली भाग्य में आजकल ये चल रहा है कि मैं समीर का किरदार निभाता हूँ, और जो मेरी बहन है कृतिका और अक्षय, मुझे पता है कि अक्षय एक अच्छा लड़का नहीं है, तो मैं प्रीता और सृष्टि वो शादी तोड़ने में लगे हुए, प्रूफ इकट्ठा करने में लगे हुए, तो देखते हैं क्या होता है। सी एवरी एक्टर वॉन्ट्स टू बी फिल्म एक्टर, बट देखते हैं, अभी तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट जैसे आएगा जरूर बताऊंगा। वो मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं बाहर करूंगा, बट जय किसान, जो बोले सोने। मुझे जो सम्मान मिला दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज, एंड मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ किरण का एंड ऑफ कोर्स सुपर वुमन का एंड ऑल हु आर एसोसिएटेड विद सुपर वुमन। सीरियसली औरतें आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ गई हैं,
चांद के परे भी पहुंच गई है, दिमाग से तो कम से कम यस ऑफ कोर्स, बट फिर भी कई जगहों पे औरत आज भी शोषित है। और मैं किसी भी औरत के लिए यह बोलना चाहती हूँ कि जो अगर आपको आपका बेटा जो आपके जिगर का टुकड़ा है ना कुछ गलत करता हुआ देखिए, तो सबसे पहले समाजा आप मारे, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे ना तो वो बाहर जाके किसी और को काम, तो वो बाहर जाके किसी और को तकलीफ देगा। और अल्टीमेटली निर्भया जैसे कांड होंगे तो आपकी दायित्व है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को रोके और मारिए मत। वो थप्पड़ जो है ना, थप्पड़ का जो डर होता है वो बहुत बड़ा होता है, थप्पड़ पड़ने से भी ज्यादा कि पड़ जाएगा। समझाएं कि क्या गलत है, औरतों की इज्जत करना सिर्फ मतलब देवी की प्रतिमा को पूछेंगे, औरत को नहीं पूछेंगे। ये तकलीफ इस बात की वाकई मुझे तकलीफ होती है। मेरे साथ कलकत्ते में ये कांड हो चुका है दुर्गा पूजा के दौरान, जहां मैं एक छोटी सी चिड़िया जो चिड़िया का बच्चा लेके जहां मैं एक छोटी सी चिड़िया का बच्चा लेके खड़ी थी उस इंसान तक पहुंचाने के लिए जो उसकी देखभाल कर सकता था, बिकॉज मुझे बॉम्बे वापस मुंबई वापस आना था। अष्टमी का दिन था, नाली के किनारे खड़ी थी एक छोटा सा केज लेके, कोई गया था टैक्सी लेने के लिए। एक आदमी आया बाइक में, ऐसे बाइक से उतरा कि मतलब मैं लिटरली बॉडी से ऐसे हुई कि कम ही हो गया। मैंने कहा दादा की कुछ पेशे ना हो जाओ, मतलब नॉर्थो में आज पेशे ने मतलब नाली है पीछे झाड़ना, दैट इज व्हाट आई गॉट। And he went right inside the pandal of the Devi. Weird. ये double standards को समझ नहीं आते। Honor करना है तो उसकी भी करिए जो अदृश्य है, और उसकी तो जरूर करिए जो सामने है। दिल दुखाने का किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना उसका परिणाम यही मिल जाता है। सुपर वुमन के सभी सदस्यों का और जो भी सुपर वुमन से जुड़ना चाहते हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप में वो ताकत आया कि आप इस ग्रुप में जुड़े। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके बारे में पता लगा, हम आप सबसे मिले। मैं ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ चल रहा है आपके व्यूअर्स या हमारे व्यूअर्स या दर्शक, आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ और चल रहा है, क्या कुछ कर रही है लाइफ में। तो बहुत कुछ कर रही हूँ मैं, और इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। लॉकडाउन ने मुझे बहुत ताकत दी है, लॉकडाउन ने मुझे सिखाया है कि यूं ही चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। बिकॉज लॉकडाउन में तो मैं पागलों की तरह सर भर मुंडा के सड़कों पे घूम रही थी। 19 साल से जानवरों के लिए काम कर रही हूँ अपने खुद के पॉकेट से। लॉकडाउन में मेरा अकाउंट 0.00 आ गया था और मैं ऐसे ही हंस रही थी। बड़े होने के बाद पहली बार अपने पिताजी के पेंशन पे जिया। मैं 11वीं कक्षा में थी तब से मैं काम कर रही हूँ, मैं टीचर भी थी तब से मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, लेकिन लॉकडाउन में मैं अपने पिताजी के पेंशन पे जी। ओके? और जब मुझे भूखे लोग मिले सड़क पे, मैंने बोला कि जो घर में बटेगा वही बाहर बटेगा, भले ही वो खिचड़ी क्यों ना हो, खबरदार किसी ने कोई चीज एक्स्ट्रा बोली मुझे तो कुछ नहीं होगा ऐसा। एंड लिटरली दाल चावल खिचड़ी जो भी घर पे बनता था वो हम भी खाते थे, बाहर भी बांटते थे। और यकीन मानिए मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कितने जानकार लोग, कितने अनजान लोग बस जुड़ गए और जुड़ते चले गए, आज भी जुड़े हुए हैं, जानवरों के लिए भी इंसानों के लिए भी। ट्रांसजेंडर्स, ब्लाइंड एसोसिएशन, टॉबलर एसोसिएशन, सेक्स वर्कर्स, मैं रेड लाइट एरिया तक को गई थी, सिर्फ मुंबई के अंदर नहीं, नाला सुपारा में भी जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं एंड नायगांव में भी जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं,
उनकी बिल्डिंगों की जर्जर हालत की वजह से वहाँ तक भी गई थी और उनकी हालात देख के मैं बीमार पड़ गई थी कि मतलब वो जो एम्पैथेटिक होते हैं उनको समझ में आता है। हालांकि बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया उस न्यूज़ पे कि सेक्स वर्कर्स को तुमने किया, शेम ऑन यू, वो भी तो इंसान है। और हमारे खुद के जो किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें तो क्या रेखा जी ने जो फिल्म की थी, मैं नाम भूल गई हूँ, रेखा जी ने फिल्म की थी ना, शेखर सुमन जी, रेखा जी, कामसूत्र इज फ्रॉम आर स्क्रिप्चर्स, हमारी मतलब जिसमें सिखाया जाता है कि कैसे मतलब क्या सही है क्या नहीं। किसी भी इंसान को नीचा देखना, नीचा दिखाना हमें बड़ा नहीं बनाता। आई एम सॉरी, ये मेरी सोच नहीं, कभी रही, आज भी नहीं है। और इसके बाद मैंने अपना जो एनजीओ है थैंक यू अर्थ, उसे रिवाइव कर लिया। मैंने एक छोटा सा सेंटर खोल लिया जहाँ पर मैं बीमार जानवरों को, टूटे फूटे जानवरों को लेकर आती हूँ, उन्हें उनकी सेवा शुश्रूषा करती हूँ। आप प्लीज़ देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे thank_youearth। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं मेरी पर्सनल जिंदगी में। अलावा उसके पिंजरा खूबसूरती का अभी ट्रैक ऑफ ट्रैक है, आई एम गोइंग टू डू अ फिल्म, इस महीने ही जा रही हूँ। ये है जिंदगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये शो के ऑर्गेनाइज़र हैं किरण गुलानी जी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो मैं पहले तो किरण गुलानी जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और उनको प्रोत्साहित करना चाहूँगी। आई थिंक जब भी महिलाओं के लिए कुछ भी किया जाता है और उनको इनकरेज किया जाता है तो वो बहुत एक डिज़र्विंग चीज़ है जिसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो आई थिंक वॉट शी इज़ डन इज़ अ ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर पुटिंग दिस होल इवेंट टुगेदर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली ये इनका अवार्ड का तीसरा साल है और यहाँ पे मुझे इनवाइट किया था किरण मैम ने और रोहन सर ने, उनके लिए थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी हेल्पनेस हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है वर्क करना। और जो सोशल वर्क का जो ये सुपर वुमन का जो प्रोग्राम अवार्ड फंक्शन है, काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये जो है नारी शक्ति को बढ़ाने का एक फंक्शन रखा है, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आए थे तो मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी एज ए इंक्लूजर करके यहाँ पे बुलाया था। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जान क्रिएशन करके, मैं भी एल्बम सॉन्ग क्रिएट करता हूँ, आप देखिए, 2 लाख अबाउट सब्सक्राइबर है। और थैंक यू सो मच इधर इन्वाइट करने के लिए। और इन दिनों आपका गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग लाइक भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? तो बस मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जान क्रिएशन, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मेरे मुझे खुद को 2 सिल्वर अवार्ड मिले। तो मैं यूट्यूब पे एल्बम सॉन्ग क्रिएट करता हूँ, तो ऐसा है कि लोगों का प्यार मिल रहा है, काफ़ी फैन फॉलोइंग भी है और यहाँ पे ही नहीं कि आउट ऑफ कंट्री पे भी मेरे वीडियो देखे जाते हैं एल्बम सॉन्ग्स के। तो बस यही कि तरक्की करते रहो, बाकी सपोर्ट करते रहो एक दूसरे को, जो आगे बढ़ रहा है उनको सपोर्ट ऑलवेज करो, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, सबको चाहे दिल से शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम विक्की यादव है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको सम्मानित किया गया, कितनी खुशी हुई, क्या कुछ कहना चाहिए?
मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ मुझे किरण मैम ने ये अवार्ड देके सम्मानित किया। और मैं एक मराठी अभिनेत्री और गायिका भी हूँ, पूना से हूँ, और यहाँ आके बहुत मुझे अच्छा लगता है। और पिछली बार यानी एक मंथ में मुझे ये तीसरा अवार्ड है, इंडिया ग्लोबल अवार्ड भी हुआ था, इंडिया ग्लोबल अवार्ड में भी मुझे सम्मानित किया गया, कल्याण जी जाना के शो में भी मुझे सम्मानित किया गया, और अभी ये मेरा तीसरा अवार्ड है, बहुत अच्छा लगता है और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू। गुजरात की प्रिंसेस है मैं, गुजराती जो भी क्या बोल रहा हाँ मैं देता हूँ एक ही तक। अरे भैया मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।